click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं फिर से आप लोग के लिए इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ। सो आज का जो हम लोग इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो है EIGRP। सो आप लोग सोच रहे होंगे यदि कि EIGRP तो न्यू सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था। अगर आप ओल्ड सिलेबस टोटली कंप्लीट कर लिए हैं, देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको EIGRP का इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर जरूर एक बार देखना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो देखिए, इसी तरह अगर आपका CCNP भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप जरूर एक बार देख के जाइए EIGRP का इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर दोनों के लिए अवेलेबल है, CCNA एंड CCNP। आप जरूर वॉच कर लीजिए इस इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर को। जो देखिए, EIGRP में बहुत सारे इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर है, तो इसके लिए मैंने दोनों पार्ट में डिवाइडेशन कर लिया है। जो देखिए, पार्ट नंबर 1 आज आप लोग देख रहे हैं एंड पार्ट नंबर 2 मैं जल्दी आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। सो आप लोग लाइक एंड कमेंट कुछ नहीं करते, तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। जो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोग के लिए OSPF का इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर दिए थे, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। आई होप आप लोग जानती होंगे, जो देखा आप लोग के लिए मैंने वेबसाइट लॉन्च किया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए, वहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। सो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में और सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है, आप वहां पे जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, वहां पर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं EIGRP का इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 1। तो चलिए, EIGRP इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है EIGRP के ऊपर। जो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIGRP। जो देखिए, EIGRP का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 4-5 पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। जो देखिए, यहाँ पर बहुत सारा मैंने पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन किया है, आप यहाँ से कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं। जो देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने OSPF के ऊपर भी मैंने दिए थे। जो देखिए, डिफाइन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSPF। जो देखिए, अगर आपने OSPF का इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर नहीं देखा होगा तो आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो देखिए, EIGRP का कैरेक्टरिक्स क्या है, तो चलिए जो देखिए, फर्स्ट जो है, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल यूज बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट फीचर्स, आई होप आप लोग जानती होंगी। देन उसके बाद सेकेंड जो है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल एंड सपोर्ट DLSM। सो यहाँ पर DLSM भी सपोर्ट करती है। यूज ड्यूअल एल्गोरिदम, देन सेंड पार्शियल राउट अपडेट ओनली व्हेन देयर इज एनी चेंजेस। जो देखिए, यहाँ पर पार्शियल राउट भी होती है। देन उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट फॉर पीयर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का भी होती है। जो देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन किया है। अगर मैं टोटल इसके ऊपर डिस्कशन करते जाऊंगी तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये पॉइंट पता है यहाँ पर क्या क्या होती है EIGRP के अंदर, जो EIGRP का कैरेक्टरिक्स क्या है। तो मैं आप लोग के लिए और भी क्लियर कर देता हूँ। जो देखिए, और भी पॉइंट है। जो देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, देन उसके साथ यहाँ पर जो सेकंड जो है, सपोर्ट
अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। देन उसके साथ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्टेंस इज 94 EIGRP इंटरनल राउट, जो देखिए इंटरनल राउट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो है 90 और 174 EIGRP एक्सटर्नल राउट एंड 54 सामरी राउट। सो आई होप आप लोग को पता है इंटरनल राउट क्या होती है, एक्सटर्नल राउट क्या होती है, सामरी राउट क्या होती है। जो देखिए ये था टोटली EIGRP का कैरेक्टरिक्स, तो मैं फिर से आप लोग के लिए बोल देता हूँ। जो देखिए यहाँ से आपको मिनिमम 5-6 पॉइंट बोलना पड़ेगा। जो देखिए मैं फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ। जो देखिए हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल यूज बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट फीचर्स, देन क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल एंड सपोर्ट DLSM, यूज ड्यूअल एल्गोरिदम, सेंड पार्शियल राउट अपडेट ओनली व्हेन देयर इज एनी चेंजेस, सपोर्ट फॉर पीयर ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, सपोर्ट अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, देन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस इज 94 EIGRP इंटरनल राउट एंड 174 EIGRP एक्सटर्नल राउट एंड लास्ट 54 सामरी राउट। ये होती है टोटली EIGRP का कैरेक्टरिक्स। सो आई होप आप लोग को टोटल समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, Why do we use EIGRP? हम लोग EIGRP किस लिए यूज करेंगे? जो देखिए ये भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकती है। जो देखिए EIGRP हम लोग किस लिए यूज करेंगे? देन OSPF हम लोग किस लिए यूज करेंगे? EIGRP से तो OSPF बहुत ही बेटर ऑप्शन है, बट EIGRP में भी कुछ ड्रॉबैक है, देन OSPF में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए OSPF का टोटल मैंने इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर दिए हैं, सो आप जरूर वॉच कर लीजिए, पार्ट वन एंड पार्ट टू को भी देख लीजिए। देन यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाई डू वी यूज EIGRP। जो देखिए फर्स्ट जो है सिंपल कॉन्फिगरेशन, देन कीप बैकअप राउट फॉर फास्ट कॉन्वेंशन। जो देखिए EIGRP का जो देखिए जस्ट फॉर 2-3 कमांड है, अगर आप कोई भी राउटर में यहाँ पर रन कर देंगे तो EIGRP इजिली राउंड हो जाएगा। देन यहाँ पर की बैकअप राउट फॉर फास्टर कॉन्वेंशन, जो देखिए यहाँ पर फास्ट यहाँ पर कॉन्वेंस होती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। जो देखिए यहाँ पर और भी सारा टॉपिक है, जो देखिए यहाँ पर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग विथ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, देन यूज फंक्शन फॉर बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट हाइब्रिड। जो देखिए आई होप आप लोग को टोटली पता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एंड विथ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इसी तरह यहाँ पर यूज फंक्शन बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट हाइब्रिड। जो देखिए इसके लिए हम लोग EIGRP को यहाँ पर यूज करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आती है जो देखिए व्हाई डू वी यूज EIGRP, तब आपको सिंपल सा ये जवाब देना पड़ेगा। जो देखिए ये सिंपल कॉन्फिगरेशन है एंड यहाँ पर की बैकअप एंड राउट फॉर फास्टर कॉन्वेंशन, देन यहाँ पर यूज फंक्शन बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट, देन इसके साथ यहाँ पर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग विथ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। जस्ट यहाँ पर अगर आप 4 पॉइंट बोल देंगे तो ये आंसर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए व्हाट इज द अर्लियर वर्जन ऑफ EIGRP। जो देखिए व्हाट इज द अर्लियर वर्जन ऑफ EIGRP, उसका जो है IGRP। सो आई थिंक आप लोग ने नाम सुना ही होगा, जो देखिए IGRP। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIGRP। जो देखिए अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये सब ट्रिकी था, जो देखिए ये क्वेश्चन तो आपको 100% आ सकती है। जो देखिए EIGRP का फुल फॉर्म क्या है, तब आपको बोलना पड़ेगा जो देखिए एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो देखिए EIGRP का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो देखिए एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। देन उसके बाद हम लोग
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए तो देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। जो देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है जो देखिए व्हाट एल्गोरिदम डास EIGRP यूज। जो देखिए यहाँ पर जो देखिए व्हाट एल्गोरिदम डास EIGRP यूज। जो देखिए इसका जो आंसर है ड्यूएल। जो देखिए आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। जो देखिए व्हाट एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम डास EIGRP यूज करते हैं यहाँ पर ड्यूएल। जो देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है। जो देखिए व्हाट आर द मैट्रिक कॉम्पोनेंट ऑफ EIGRP। जो देखिए आई थिंक आप लोग जानते होंगे जो देखिए यहाँ पर EIGRP में मैट्रिक होती है। जो देखिए यहाँ पर मैट्रिक क्या क्या है। जो देखिए बैंडविड्थ डिले लोड रिलायबिलिटी एंड MTU। जो देखिए अगर आप ये सब के बारे में जानते हैं तो ओके, नहीं तो मैं एक इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगी। जो देखिए बैंडविड्थ क्या होती है, डिले क्या होती है, लोड क्या होती है, रिलायबल क्या होती है, MTU क्या होती है, तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। जो देखिए बैंडविड्थ क्या है तो आपको बैंडविड्थ के बारे में पता होना चाहिए, देन डिले लोड रिलायबल एंड MTU ये सब के बारे में टोटली आपको फुल ये सब जानना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो देखिए अगर आप न्यू CCNA को यहाँ पर कवरेज करेंगे तो यहाँ पर EIGRP नहीं है, EIGRP टोटली वहां से रिमूव हो चुका है। जो देखिए ओल्ड सिलेबस में EIGRP था, न्यू सिलेबस में नहीं है। देन यहाँ पर जो न्यू CCNP में है वहां पर EIGRP है। देन अगर आप थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस को यहाँ पर कवरेज करेंगे जो CCNP जो राउट का, वहां पर भी EIGRP था एंड न्यू सिलेबस में भी है, बट यहाँ पर न्यू CCNA में EIGRP नहीं है, टोटली ऑब्सोलेट हो चुका है। जो देखिए अगर आप EIGRP के ऊपर और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं EIGRP ऊपर एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगी। जो देखिए EIGRP क्या है एंड EIGRP को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कशन करूंगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो देखिए व्हाट आर द मैट्रिक कंपोनेंट ऑफ EIGRP, तब आपको बोलना पड़ेगा बैंडविड्थ डिले लोड रिलायबिलिटी एंड MTU। देन उसके बाद यहाँ पर सेवन नंबर क्वेश्चन है। जो देखिए डास EIGRP यूज हॉप काउंट एज मैट्रिक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखिए डास EIGRP यूज हॉप काउंट एज मैट्रिक, तब आपको बोलना पड़ेगा इसका जो आंसर है प्रॉपरली EIGRP मेंटेन ए हॉप काउंट फॉर एवरी राउट, हाउ इवर द हॉप काउंट इज नॉट यूज इन मैट्रिक कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू 100 कैन बी चेंज टू एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 255। जो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो देखिए इसका जो टोटल आंसर है, जो देखिए EIGRP मेंटेन ए हॉप काउंट फॉर एवरी राउट। जो देखिए EIGRP का जो मेंटेन जो करती है यहाँ पर हॉप काउंट फॉर एवरी राउट, हाउ एवर द हॉप काउंट इज नॉट यूज इन मैट्रिक कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट इट इज द सेट टू 100 एंड कैन बी चेंज टू एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 255। जो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन याद में रखना पड़ेगा। अगर आपको पूछते हैं तो सिंपल सा ये जवाब आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए देन उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द डिस्टेंस वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ EIGRP। जो देखिए व्हाट आर द डिस्टेंस वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ EIGRP। डिस्टेंस वेक्टर क्या है आई होप आप लोग को पता है। इसका जो आंसर है, जो देखिए ये आंसर भी बहुत ही ट्रिकी है, तो आपको ये आंसर शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में बोला है, यहाँ पर आपको इसका आंसर प्रॉपरली शॉर्ट में देना पड़ेगा। जो देखिए इसका जो आंसर है EIGRP राउट ओनली एडवर्टाइज इट बेस्ट राउट टू इट्स नेबर, Not every route that is ever off। जो देखिए इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है EIGRP route only advertise its best route to its neighbor।
नॉट एवरी राउट दैट इज एवर ऑफ। जो देखिए इसका जो सेकंड जो पॉइंट है, जो देखिए एन ईआईजीआरपी राउट डज नॉट हैव ए कंप्लीट मैप ऑफ द टोपोलॉजी, इट इज ओनली एवर ऑफ व्हाट इट इज नेवर हैव टोल्ड इट राउटिंग बाय रिमोट। जो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, देन इसका जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर एबिलिटी टू सेंड द फुल राउटिंग टेबल एज एन अपडेट बट ओनली व्हेन टू नेबर फर्स्ट कम अप। जो देखिए इसका जो टोटल तीनों पार्ट है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर द डिस्टेंस वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ईआईजीआरपी, तब आपको टोटल ये तीनों पॉइंट बोलना पड़ेगा। अगर आप तीनों पॉइंट नहीं बोल पाते हैं तो मिनिमम आपको दो पॉइंट तो बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप दो भी पॉइंट बोल देंगे तो ये को इसका जो क्वेश्चन का आंसर फुलफिल हो जाएगा। अगर आप टोटली तीनों पॉइंट कवरेज करेंगे तो और भी बेटर ऑप्शन है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के इसको आंसर देना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं, जो देखिए व्हाट आर लिंक स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ ईआईजीआरपी। जो देखिए लिंक स्टेट प्रॉपर्टीज क्या है, आई होप आप लोग को पता है। जो देखिए व्हाट आर लिंक स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ ईआईजीआरपी, तो चलिए इसका जो आंसर है क्या है देखते हैं। जो देखिए इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल है, आपको इसका प्रॉपरली आंसर देना पड़ेगा। जो देखिए एन ईआईजीआरपी राउट does from neighbor relationship create partial topology table and send trigger update. So ये है totally इसका तीनों point. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि के an EIGRP route does from neighbor relationship, then second जो है create partial topology table, then send trigger update. I hope आप लोग जानते ही होंगे यदि के EIGRP में trigger update होती है। देन उसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखिए ये क्वेश्चन 100% चांस होती है इंटरव्यू में आपको पूछने के लिए। जो देखिए व्हाट आर द टेबल मेंटेन बाय ईआईजीआरपी, जो देखिए ईआईजीआरपी में यहाँ पर कौन सा टेबल मेंटेन करते हैं। यहाँ पर ईआईजीआरपी में तीनों टेबल होती है, तो देखिए यहाँ पर नेबर टेबल होती है, टोपोलॉजी टेबल होती है, राउटिंग टेबल होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकती है, आपको सिंपल से ये जवाब देना पड़ेगा। जो देखिए व्हाट आर द टेबल मेंटेन बाय ईआईजीआरपी, तो फर्स्ट जो है नेबर टेबल, सेकंड जो है टोपोलॉजी टेबल एंड थर्ड है राउटिंग टेबल। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट यहाँ पर आपको सोच समझ के इसका आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो देखिए व्हाट इज द फिजिबल डिस्टेंस, कंप्यूटेड डिस्टेंस एंड एडवर्टाइज। जो देखिए यहाँ पर टोटल तीनों पॉइंट हैं। जो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो देखिए व्हाट इज फिजिबल डिस्टेंस एंड कंप्यूटेड डिस्टेंस एंड लास्ट जो है एडवर्टाइज डिस्टेंस। जो देखिए एफडी का मतलब है फिजिबल डिस्टेंस। जो देखिए फिजिबल डिस्टेंस मैंने टोटल डिस्कशन किया है। जो देखिए फिजिबल डिस्टेंस में क्या होती है, तब आपको बोलना पड़ेगा। जो देखिए बेस्ट कंप्यूटेड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो देखिए अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द फिजिबल डिस्टेंस, बेस्ट कंप्यूटेड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड जो है, जो देखिए कंप्यूटेड डिस्टेंस, कंप्यूटेड डिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म है CD। जो देखिए इसका जो फुल आंसर है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड FD का जो था बेस्ट कंप्यूटेड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट जो है, जो देखिए इसका जो है AD है शॉर्ट फॉर्म, एंड इसका जो फुल फॉर्म है एडवर्टाइज डिस्टेंस। नहीं तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, जो देखिए इंटरव्यू में RD क्या है, RD एंड AD दोनों सेम ही है। जो देखिए RD का जो फुल फॉर्म है रिपोर्टेड डिस्टेंस, ये भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। जो देखिए AD अगर आपको नहीं बोलती है तो RD भी बोल सकते हैं। RD का जो फुल फॉर्म है रिपोर्टेड डिस्टेंस, इसका जो आंसर है डिस्टेंस फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन।
जो देखिए ये है टोटल तीनों का पार्ट। जो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो देखिए ये भी आपको पूछ सकते हैं, जो देखिए एफडी का फुल फॉर्म क्या है तब आपको बोलना पड़ेगा फिजिबल डिस्टेंस, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, जो देखिए कंप्यूटर डिस्टेंस एंड एडी का जो फुल फॉर्म क्या है एडवर्टाइज डिस्टेंस, नहीं तो आरटी का फुल फॉर्म क्या है रिपोर्टेड डिस्टेंस। अगर आपको ये सब टोटली समझ में आ जाती है तो आप इजीली इसको इंटरव्यू दे पाएंगे जो ईआईजीएसटी का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। एंड आई होप आप लोग को पता है फिजिबल डिस्टेंस क्या है, कंप्यूटर डिस्टेंस क्या है, एडी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगी एफडी क्या है, सीडी क्या है, एडी क्या है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। सो आई थिंक ये भी आपको पता है, जो देखिए व्हाट इज द सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर क्या है। जो देखिए सक्सेसर का मतलब है बेस्ट पार्ट एंड स्टोर इन राउटिंग टेबल। जो देखिए एंड फिजिबल सक्सेसर क्या है बैकअप पार्ट एंड स्टोर इन टोपोलॉजी टेबल। जो देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, अगर आप इन दोनों में कंपेयर कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए सक्सेसर डिफरेंट है एंड फिजिबल सक्सेसर टोटली डिफरेंट है। जो देखिए सक्सेसर में बेस्ट पार्ट एंड स्टोर इन राउटिंग टेबल, यहाँ पर बेस्ट पार्ट यहाँ पर ढूंढती है एंड स्टोर इन राउटिंग टेबल। एंड यहाँ पर फिजिबल सक्सेसर में क्या होती है बैकअप पार्ट, इसका जो बैकअप पार्ट होती है एंड स्टोर इन टोपोलॉजी टेबल। राउटिंग टेबल एंड टोपोलॉजी टेबल टोटली डिफरेंट है, आप कंपेयर मत करिए। देन उसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव प्रॉम्प्ट। जो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो देखिए इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं। जो देखिए व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव प्रॉम्प्ट, तब आपको बोलना पड़ेगा इन ईआईजीआरपी बैड प्रॉम्प्ट इज कंसीडर्ड एज एक्टिव प्रॉम्प्ट एंड गुड प्रॉम्प्ट इज कंसीडर्ड एज पैसिव प्रॉम्प्ट। जो देखिए सिंपल सा ये जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव प्रॉम्प्ट, तब आपको बोलना पड़ेगा इन ईआईजीआरपी बैड प्रॉम्प्ट इज कंसीडर्ड एज एक्टिव प्रॉम्प्ट एंड गुड प्रॉम्प्ट इज कंसीडर्ड एज पैसिव प्रॉम्प्ट। देन उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, डस ईआईजीआरपी ऑटो समराइज एट मेजर नेटवर्क बाउंड्री। जो देखिए यहाँ पर समराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखिए डस ईआईजीआरपी ऑटो समराइज एट मेजर नेटवर्क बाउंड्री, जो देखिए मेजर नेटवर्क बाउंड्री। तो चलिए हम लोग इसके आंसर क्या है देखते हैं। जो देखिए इसका जो आंसर है यस बाय डिफॉल्ट बट इट कैन बी स्टॉप बाय यूजिंग नो ऑटो समरी कमांड। जो देखिए इसका जो टोटली आंसर है, जो देखिए यस बाय डिफॉल्ट बट इट कैन बी स्टॉप, हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग नो ऑटो समरी कमांड। आई थिंक आपको पता है जो देखिए नो ऑटो समरी कमांड हम लोग किस लिए यूज करते हैं। जो देखिए देन उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, जो देखिए ये है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। जो देखो व्हाट इज ईआईजीआरपी फिजिबल कंडीशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चांसेस आ सकती है। जो देखिए व्हाट इज द ईआईजीआरपी फिजिबल कंडीशन, तब आपको बोलना पड़ेगा इसका जो आंसर है इफ एनी राउट हैज एडवर्टाइज डिस्टेंस मस्ट बी लेस एंड देन द करेंट फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर। एंड इसके साथ ये भी आपको बोलना पड़ेगा ए राउट टू बी कंसीडर एज फिजिबल सक्सेसर एंड मस्ट बी इंस्टॉल इन द टोपोलॉजी टेबल। सो आई थिंक आपको पता है जो देखिए फिजिबल कंडीशन क्या है। अगर आपको फिजिबल कंडीशन ही नहीं पता है तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो ओके, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए और भी डिटेल्स में बोल दूंगी एक सेपरेट ट्यूटोरियल करके। जो देखिए इसका जो आंसर है इफ एनी राउट हैज एडवर्टाइज डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन द करेंट फिजिबल डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसर एंड ए राउट टू बी कंसीडर एज फिजिबल सक्सेसर एंड मस्ट बी इंस्टॉल इन टोपोलॉजी टेबल।
जो देखिए ये था हम लोग का EIGRP का इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 1। अगर आपका कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए उसका हेल्प कर दूंगी। जो देखिए यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन है, जो देखिए 15 क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देख के जाइए, अगर आपको यहाँ से EIGRP का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, पर्टिकुलरली EIGRP के ऊपर। जो देखिए यहाँ पर टोटल मैंने 15 क्वेश्चन दिया है, एंड पार्ट नंबर 2 मैं जल्दी आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी, वहां पर भी और भी 15 क्वेश्चन हो सकती है। आप टोटल EIGRP का क्वेश्चन आंसर जरूर देख के जाइए, एंड इसके साथ OSPF का भी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर जरूर एक बार देख के जाइए, तो आपको और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए मैंने टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया है ओनली EIGRP का, जो देखिए यहाँ पर EIGRP। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो EIGRP का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट भी आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। एंड अगर आप लोग का कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं तो कोई भी क्वेरी है, तो वो भी दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए वो भी हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, एंड इसके साथ वेबसाइट को भी एक बार विजिट कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।